और जब तक हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम उनकी एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज़ पे पूरे नहीं उतरेंगे हमारे लिए उनके साथ निगोशिएट करना और उनके साथ मामला सेटल करना डिफिकल्ट होगा देर फोर याद रखिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ हमें चीजों का सामना वो करना पड़ता है मुख्तलिफ तरह के लोग हर वक्त हमारे इर्द गिर्द होंगे अगर हम अपना 360 डिग्री फीडबैक लें अगर हम अपना 360 डिग्री रिव्यू करें तो विल कम टू नो कि वी हैव बॉस व सबॉर्डिनेट्स वी हैव कस्टमर्स वी हैव सप्लायर्स वी हैव गॉट सो मैनी पीपल अराउंड जिसमें के हर किसी का मामला हमारे साथ वो डिफरेंट हो सकता है अब अपने उन तमाम मामला को समझना और ये जानना कि हम उन लोगों के साथ बेहतर डील कैसे करें बहुत जरूरी है देर कैन बी अराइवल हु इज एक्चुअली योर क्लीग जो कि आपके कंपिटेंसी के साथ या जेलस है या वो उनको ओवरकम करना चाहता है There can be a time okay, when your boss is not very friendly with you. There can be some unwillingness coming from your senior. There can be some um, treatment which you do not appreciate and like related to your superior. And obviously, at the same time, your subordinates might not be very cooperative. Unki readiness, unki willingness is not there. And you are unable to express your emotions to them, and they are unable to express their emotions to you. देर रोजमर्रा के मामला के अंदर अक्सर अवकात ऐसे इंस्टेंसेज हमारे सामने आते हैं कि जिसमें कि हमें बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ डील वो करना पड़ेगा हमें सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल एम्पथी मोटिवेशन सोशल इंटेलिजेंस जैसे फैक्टर्स जो हैं उनको हर वक्त मद्देनजर रखना होगा ताकि हम अपने जज्बात और एहसास को कंट्रोल करते हुए दूसरों के साथ मामला एहसन तरीके से कर सकें इस मकसद के लिए आपका ऑथर तीन स्ट्रेटजीज वो कोट करता है एंड द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज रीडायरेक्शन द सेकंड इज रेसिप्रोसिटी एंड द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज रैशनैलिटी इन तीन चीजों से विच आर ऑल्सो नोन एज थ्री आर्स द रेसिप्रोसिटी द द रैशनैलिटी एंड ऑब्वियसली द रीडायरेक्शन इनसे हम उन आउटकम्स को अचीव कर पाते हैं जो आउटकम्स हमें रोजमर्रा के मामलों में मददगार वो होंगे डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि हमें बाज मामला के अंदर अपनी सोच को बदलना है बाज जगहों के ऊपर हमें गिव एंड टेक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना है बाज दफ़ा हमें अपनी लॉजिक एंड रीजन के साथ अपने मामला को पेश करना है बिकॉज इन तमाम चीज़ों को इस तरह से प्रजेंट किए बगैर आपके लिए डिफिकल्ट होगा कि आप निगोसिएशन और आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में कामयाब हो सकें थैंक यू